नमस्कार, स्वागत है खबर अब तक में और मैं कार्तिक शर्मा। चलिए बात करते हैं आज की तारीख के इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं आज है 22 मई। 22 मई के इतिहास के बारे में बात करते हैं। चलिए, आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई के दिन। आज ही के दिन 1959 में महबूबा मुफ्ती का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1772 में प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था। इन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की और बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। आज एक दिन 1746 में रूस और ऑस्ट्रिया सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज एक दिन 1735 में आज ही के दिन जॉर्ज हेडली ने ट्रेंट विंड कप की पहली व्याख्या प्रकाशित की थी। 1712 में आज ही के दिन सम्राट केरल छठी को हंगरी के राजा का ताज पहनाया गया था। आज ही के दिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली के बीच स्टील की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 1936 में आज ही के दिन भारत के पहले स्टेडियम ब्रेबोन स्टेडियम का बॉम्बे में शिलान्यास हुआ था। 1933 में आज ही के दिन विश्व व्यापार दिवस पहली बार मनाया गया। 1906 में आज ही के दिन राइट बंधुओं ने अपनी फ्लाइंग मशीन के लिए अमेरिका से पेटेंट पाया था। आज ही के दिन 2012 में जापान में टोक्यो स्काई ट्री टावर को खोला गया। दुबई के बुर्ज खलीफा और चीन के कैंटन टावर के बाद जापान ने अपनी ऊंची इमारत टोक्यो स्काई ट्री तैयार की थी। आज ही के दिन 1987 में भारत के मेरठ में हाशिमपुर नरसंहार हुआ। आज ही के दिन 1963 में भारत की पहली ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी थी। 1960 में आज ही के दिन चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। ये अब तक का सबसे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया था। 1943 में आज ही के दिन ब्रिटिश कमांडो ने एक ऑपरेशन फेरियर में मैक्सिन के यूगोस्लावियन द्वीप पर छापा मारा था। आशा है आपको आज की तारीख का इतिहास अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए।